जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण किए जाने को लेकर आवाज उठाई गई। सर्व अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग समाज के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। सर्व अनुसूचित जाति वर्ग समाज के बैनर तले गुरुवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने नारे लगाए गए और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया। यहाँ सर्व समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। जाति मेरे समाज के लिए, मेरे दुर्ग शहर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए इतनी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं। हर बच्चा, हर युवा, हर परिवार में जाति प्रमाण पत्र आज आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हो गया है। इसके लिए माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने 2019 में आदेश पारित किया था कि जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए, और शायद उन्होंने किया, ये उनकी अच्छी पहल थी। पर ये जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है, शायद कांग्रेस सरकार का ये मेरे को लगता है चुनाव जीतने का एक आडंबर था। अब ये समझ सकते हैं कि उन्होंने चुनाव जीता, अपना उल्लू सीधा कर लिया और आज मेरे समाज को तीन तीन मरने के लिए रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आज मेरा समाज एक जाति प्रमाण पत्र के लिए हर जगह, हर उस तहसीलदार के दरबार पे, SDM के दरबार पे जा करके घंटों बैठे रहता है। वहाँ पेशी चलती है, अंडरसरी कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले साल सामान्य सभा में मैंने लड़ करके 161 आवेदन पास किया था, पात्रता मिली थी उनको, उसमें से एक भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। सेकेंड अभी 398 आवेदन जो गए हुए हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था रोटी और बेटी कैसे करते हैं, किस नियम से करते हैं वो देखा जाए, उसका पंचनामा किया जाए। पंचनामा हो गया, सभी पात्रता हो गए, लेकिन आज तक किसी भी एक आदमी, एक हितग्राही का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। ये ऐसी विडंबना है, ऐसी आडंबर रची हुई है कांग्रेस सरकार ने। मेरे लोगों को सिर्फ अपना मत पाने के लिए ये आडंबर रच करके उन्होंने अपना वोट पाया है और मेरे लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए वंचित किया है। दिक्कत है, अभी कुछ दिन पहले राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया था कि 1950 के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है और नगर निगम पंचायत के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, लेकिन यह देखा गया है कि SDM के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर फिर से पुनः 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है। और हमें कुछ दिन पहले ही हमने SDM से मुलाकात की और इस संबंध में चर्चा किया था, तो वो हमें बोल रहे थे कि किसका नहीं बना ये हमें बता। हमने कहा व्यक्तिगत नहीं है, ये सभी समाज के लिए बात है। लेकिन सरकार से, इस माइक के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सरकार से मेरा एक निवेदन है कि ये इस तरह के आदेश निकालने की बजाय इस जाति प्रमाण पत्र को सरलीकरण करने के लिए आप अध्यादेश लाइए और अध्यादेश लाकर इसको ख़त्म कीजिए 1950 का, जो 2000 से छत्तीसगढ़ में या उसके पूर्व से जो यहाँ निवासरत है छत्तीसगढ़ में, ऐसे लोगों को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अध्यादेश लाए इस संबंध के ऊपर में और 1950 के कालम को ख़त्म करें। अनुसूचित जाति वर्ग समाज आज जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन कर रही है और हमारी जो मांग है, केवल एक ही मांग है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण करके जो है उसका लाभ अनुसूचित जाति सर्व समाज को दिया जाए। और अगर मान लिया जाए, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है, तो हम जो है ना जिस सरकार को वोट देते हैं बनाने में, सरकार बनाने में जो भूमिका निभाते हैं, वो उसके विपरीत कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना दर्शन देंगे। आज सर्व अनुसूचित जाति समाज के लोगों के द्वारा एक जाति प्रमाण पत्र की जो गंभीर समस्या चल रही है और उसके बारे में विगत 2000 से 12, 15, 20, 25 साल से समस्या चल रही है, और जैसा कि अभी हमारे जानू बागड़े जी ने कहा कि नहीं, ये जो प्रक्रिया है उस पर अध्यादेश लाना चाहिए, वो तो सही है। बट जो राज्य शासन ने एक बात जो कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगर पालिका के माध्यम से, यहाँ के जितने भी नगर पालिका के माध्यम से जो अन्य राज्य से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र का समाधान होना चाहिए। और ये राजनांदगांव के ज़िले में कुछ हुआ है, कुछ और भी दो या तीन ऐसे जगह है जहाँ पर हुआ है, बिलासपुर के आगे और महासमुंद के कुछ, और इस प्रकार के डोंगरगढ़ में भी हुआ है, ऐसे ऐसे कई लोगों के जाति प्रमाण पत्र बने हैं। वही प्रक्रिया के तहत
यहाँ भी बनना चाहिए, और इसीलिए हम लोग ने आज ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को या मुख्यमंत्री राज्यपाल को और कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं कि जिस प्रक्रिया के राज्य शासन ने अगर घोषणा की है तो उसी प्रक्रिया के तहत हमारे जो लोग हैं यहाँ पे जो स्कॉलरशिप से वंचित हो रहे हैं या नौकरी से वंचित हो रहे हैं या प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तो इसका लाभ मिलना चाहिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी। पर इसका परिपालन यहाँ के राज्य कलेक्ट्रेट के जो जिलाधीश या अन्य SDM के जो लोग हैं उनकी नियत में खोट है, और इसीलिए ये जाति प्रमाण पत्र का समाधान नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से लोगों को हम इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ के धरना प्रदर्शन के माध्यम से करना चाहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।